हाँ नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है कागज पर टोटके, उसको सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब आपको बताते हैं इस उपाय में क्या करना है। आपने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको बगला मुखी यंत्र सबसे बेहतरीन यंत्र माना गया है। यदि आपके शत्रु एक है या एक से ज्यादा शत्रु हैं और आपको दिन रात उनकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव में हैं आप या फिर शारीरिक या आर्थिक रूप से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शत्रुओं की वजह से, तो ये शक्तिशाली यंत्र इसीलिए है ताकि आप शत्रुओं पे विजय पा सकें। तो ये शक्तिशाली यंत्र है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करवाता है। विजय का मतलब है यदि जिस तरीके से भी आपको वो परेशान कर रहे हैं, चाहे जैसे कि हमने बताया आर्थिक रूप से या मानसिक या शारीरिक रूप से तनाव में हैं आप, तो धीरे धीरे आप देखेंगे शत्रु विफल होता जाएगा। जो भी षड्यंत्र आप कर रहा है आपके ऊपर या फिर जिस तरीके से भी परेशान कर रहा है उस पे आपकी विजय होगी और वो षड्यंत्र समाप्त होने लगेगा, यानी कि आप दुश्मनों पर हावी होना शुरू हो जाएंगे। पहले वो हावी था, अब आप हावी होना शुरू हो जाएंगे। और ये कोर्ट केस में भी मदद करता है, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है सालों से तो उसमें भी आपकी विजय होती है, जीत होती है। झगड़े लड़ाई जो रोजमर्रा के हो जाते हैं छोटे बड़े, उसमें भी ये आपकी मदद करता है। यदि कोई प्रतियोगिता है आप कॉलेज में या आपकी पढ़ाई में, ये जहाँ पे पढ़ाई करते हैं या फिर जहाँ आप ऑफिस है आपका, जॉब करते हैं, जहाँ पे भी अगर आपके कोई लग रहा है आपकी कोई प्रतियोगिता है, कोई प्रतियोगी है, कंपटीशन कर रहा है आपसे बार बार, तो उसमें भी आपको हमेशा आगे रखेगा। माँ बगला मुखी यंत्र है जो बुरी नजर से बचाता है। बुरी नजर किसकी होती है? शत्रुओं की होती है, दुश्मनों की होती है, और कई ऐसी भी होती हैं जिनका हमें पता होता है कि हाँ ये तो बुरी नजर इनकी लग रही है, उनकी नजरों से तो बचाता ही है। और कुछ ऐसी नजरें भी होती हैं जो हमको पता भी नहीं होता है कि हाँ इसकी बुरी नजर हम पर या हमारे घर परिवार पर है, वैसी बुरी नजरों से भी ये बगला मुखी यंत्र बचाता है। इस यंत्र को आप लीजिएगा। इस यंत्र को घर में सुख शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि जब दुश्मनों में विजयी रहेंगे आप हमेशा आगे रहेंगे, उन पर हावी रहेंगे, तो एक तरीके की जो तनाव है घर में, टेंशन है, वो समाप्त होना शुरू हो जाती है। तो इसको आप अवश्य रखें। और इसमें माँ बगलामुखी मंत्र होता है, उसका जाप साथ साथ जब आपको उचित समय लगे आप उस समय करिएगा। जरूरी नहीं है कि रोज मंत्र जाप करना है, मगर हाँ जब आपको लगे कि हाँ आप खाली हैं, समय ज्यादा है आपके पास, तो आप आराम से बगला मुखी मंत्र होता है, आप उसको ढूंढ सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, उसको आप मंत्र का जाप कर करिए। मगर ये यंत्र घर लाने से ही, स्थापित करने से ही आपको काफी इसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसको लाने के बाद इसको जब मंदिर में रखना है आपको अपने घर के मंदिर में, दिन सुन लीजिए आप, सोमवार या शनिवार में से किसी भी एक दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले इसको घर में रख दीजिएगा, मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। पूजा अर्चना तो रोज करेंगे ही आप, जब जब करेंगे तो माँ बगला मुखी से भी अपनी यही, ये जो हमने इतनी सारी बताई है आपको लाभ, इनमें से जो भी आपके लिए सही बैठता है वो आपको बोलना है प्रार्थना के रूप में। तो बंधु ये उपाय करके देखें, ये यंत्र लीजिए। इसका लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।